18th एशियन गेम्स फॉर इंडिया, 18वें एशियाई गेम खेल भारत के लिए। आज हम इसमें करेंगे कि भारत के लिए 18वें एशियाई गेम्स कैसे रहे, एशियन गेम्स कैसी थी। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जो 18th एशियन गेम्स हुए थे वो गेम्स इंडोनेशिया में जकार्ता में हुए थे, ठीक है, इंडोनेशिया में जकार्ता में हुए थे, 2018 में हुए थे। उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, 18वें एशियाई खेलों में भारत के दल का नेतृत्व किसने किया था? भारत के दल का नेतृत्व किसने किया था? नीरज चोपड़ा ने, सौरभ चौधरी ने, विनेश फोगाट ने या मनजीत सिंह ने, किसने किया था? देखिए, जो भारत के दल का नेतृत्व है वो नीरज चोपड़ा ने किया था, जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जो कि भाला फेंकते हैं वो खिलाड़ी, भाला फेंकने का इनका गेम है, तो नीरज चोपड़ा ने, उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, 18वें एशियाई खेलों में भारत की तरफ से समापन किसने किया था भारत के दल में, ठीक है ना, भारत के दल के नेतृत्व में समापन किसने किया था? इसका देखिए ऑप्शन, अरपिंदर सिंह ने, नीरज चोपड़ा ने, राही सरनोब ने या रानी रामपाल ने, किसने किया था समापन? ये किया था रानी रामपाल ने, रानी रामपाल जो कि भारतीय महिला हैं और हॉकी की टीम की कप्तान हैं, जो हॉकी की टीम है उसकी कप्तान है, ठीक है, और भारतीय दल का नेतृत्व जो किया था भारतीय महिला हॉकी की टीम कप्तान ने किया था, जो कि है रानी रामपाल। नेक्स्ट है, 18वें एशियाई खेलों में पहला पदक भारत के लिए किसने प्राप्त किया? पहला पदक रवि कुमार ने, अपूर्वी चंदेला ने, इन दोनों ने या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इनका जो पहला पदक है इन दोनों ने प्राप्त किया था, रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला, ठीक है, और ये जो पदक था ये कांस्य पदक था, कांस्य पदक के रूप में पहला पदक जो एशियाई खेल थे, 18th एशियाई एशियन गेम्स हुए हैं उसमें पहला पदक मिला था, जो कांस्य पदक था जो ने भारत के लिए लिया था। नेक्स्ट, 18वें एशियाई खेल में पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए किसने प्राप्त किया? रवि कुमार ने, अपूर्वी चंदेला ने, स्वप्ना बर्मन ने या बजरंग पुनिया ने? पहला स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने प्राप्त किया था, जो कि पहलवानी में किया था, पहलवानी में, किसमें? बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम का भार वर्ग में भारत को पहला पदक दिलवाया था, स्वर्ण पदक, और रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने भारत को पहला पदक दिलवाया था, जो कि कांस्य पदक था और ये पदक निशानेबाजी में था। नेक्स्ट है, 18वें एशियाई खेलों में पहलवानी में पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए किस महिला ने प्राप्त किया था? रवि कुमार, अपूर्वी चंदेला, विनेश फोगाट, मंजीत सिंह, किस महिला ने पहलवानी में पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए प्राप्त किया था? वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने एशियाई खेलों में पहला भारतीय महिला स्वर्ण पदक पहलवानी में लिया था, विनेश फोगाट ने। देखिए, पहला स्वर्ण पदक विनेश फोगाट ने पहलवानी में लिया था, लेकिन जो क्या नाम है, पिस्टल स्पर्धा में जो पहला स्वर्ण पदक है महिला ने वो भारत की, वो थी राही सरनोबत। इन्होंने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था निशानेबाजी में, जो कि पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी, ठीक है ना, पहली भारतीय महिला थी जो निशानेबाज बनी थी। ये देखिए, अब हम चलते हैं
जो हमारे 18वें एशियाई खेल से भारत के स्वर्ण पदक विजेताओं पे। देखिए भारत ने 2018 में 15 स्वर्ण पदक जीते थे, 24 रजत पदक जीते थे और 30 कांस्य पदक जीते थे, यानी टोटल 69 पदक इंडिया ने जीते थे और इंडिया 8th नंबर पे आई थी। तो स्वर्ण पदक देखिए 15 स्वर्ण पदक जीते थे, कौन कौन से हैं वो स्वर्ण पदक वो देखते हैं। देखिए बजरंग पुनिया ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था, विनेश फोगाट ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट है सौरभ चौधरी ने निशानेबाजी में और राही सरनोबत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण सिंह, दत्तू बाबा, मोकादनल, ओम प्रकाश, सुखमीत सिंह, रोहन बोपन्ना एवं दिविज शंकर ने टेनिस में स्वर्ण पदक जीता था और तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में, मंजीत सिंह ने 800 मीटर दौड़ में, अल्पिंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में, स्वपन्ना बर्मन ने हेप्थालन में, जिनसन जॉनसन ने 1500 मीटर दौड़ में, एस आर पुवामा, हीमा दास, विसम्या और सरिता बेन गायकवाड़ ने 4x400 मीटर रिले दौड़ में, अंकित पंथल ने मुक्केबाजी में, प्रणव बर्धन व शिवनाथ सरकार ने ब्रिज में, इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। कुल 15 स्वर्ण पदक अपनी अपनी स्पर्धाओं में जीते थे। अब देखिए कि इसके अलावा इन खेलों में जो भारत की हॉकी टीम थी, पुरुष हॉकी टीम ने जो मुक्केबाजी में हांगकांग को 26-0 से हराया था, भारत पुरुषों की हॉकी टीम की ग्रुप ने मुक्केबाजी में हांगकांग को 26-0 से हराया था, ठीक है। और इसमें भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की गई थी, यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इसके अलावा जो शार्दुल विहान ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था और वो सिर्फ 15 साल की थी, जिन्होंने भारत के लिए ये जो हमारा रजत पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी, 15 साल की शार्दुल विहान डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीता था। और ये जो 18वें एशियाई खेल हुए थे, ये भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था, सबसे अच्छा प्रदर्शन अब तक का भारत का रहा था, जो पूरे एशियाई खेल एशियन गेम्स हुए हैं उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन भारत का 18th एशियाई गेम्स में रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।